हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। आप यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपन लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कैमल मैनेजमेंट, ऊंट का प्रबंधन अपन लोग पढ़ लिए थे। अब अपन पढ़ेंगे ब्रीड्स ऑफ कैमल, ऊंट की नस्लों के बारे में, शानदार जानदार पिक इमेज के साथ में, और आपको ये याद करवा देंगे। इसी वीडियो के अंदर अपन लोग 30 मिनट के इसी वीडियो के अंदर अपन लोग इसकी नस्लों के बारे में और इसके रोगों के बारे में इसका अध्ययन कर लेंगे। तो अपना ऊंट दो भाग में पूरा हो गया, एक भाग में हो गया इसका मैनेजमेंट और दूसरे भाग में हो जाएगा इसका ब्रीड्स ऑफ कैमल के बारे में। तो अभी तो देख लो, मैंने आपको ये पहले भी दिखाई थी कि ये ब्रीड्स ऑफ कैमल, ये डबल कुबड़ वाला ऊंट है जिसका नाम मैं आपको पहले बता चुका था। नाम था कैमेलियस बैक्ट्राइन। क्या नाम था? कैमेलियस बैक्ट्राइन इसका नाम था। अब चलेंगे अपन लोग, अब देखो ये तो जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरफ पाया जाता है ऐसे वाले ऊँट ये सारे के सारे, लेकिन अब बात करने वाले हैं सिंगर कुबड़ वाले ऊँट की जिसके एक ही हम्प पाया जाता है। तो आप लोग चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम भी आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं। हम आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें आप लोग, शेयर ज़रूर कर दे। आप करते वही हो जो आप चाहते हो, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। आप करो वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अब देखिए ब्रीड्स ऑफ कैमल के बारे में, राजस्थान के अंदर ऊँट की विशेष प्रकार की 3 नस्लें ही पाई जाती है। राजस्थान में ऊँट की विशेष 3 नस्लें ही पाई जाती है जिनके अंदर एक का नाम है बीकानेरी ऊँट। कौन सा ऊँट? बीकानेरी ऊँट। और एक का नाम है जैसलमेरी ऊँट। कौन सा? जैसलमेरी ऊँट। और एक का नाम है मेवाड़ी ऊँट। कौन सा ऊँट है? मेवाड़ी है। इनके अलावा ये 3 अपने राजस्थान की प्रसिद्ध नस्ल है, बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी। इनके अलावा अपने यहाँ गौमट भी पाई जाती है। कौन सी? गौमट नस्ल भी पाई जाती है। इनके अलावा नाचना नस्ल भी पाई जाती है। कौन सी? नाचना। इनके अलावा कच्छी भी होती है। कौन सी? कच्छी। इनके अलावा सिंधी भी होती है, ये भी नस्ल है ऊँट की। इनके अलावा बलूची भी होती है, ठीक है। ये ऊँटों की नस्ल है बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, गौमट, नाचना, कच्छी, सिंधी और बलूची, ठीक है। ये नस्ल है ऊँटों की, लेकिन अपने यहाँ केवल 3 ही ऊँट है अच्छी नस्ल वाले, एक बीकानेरी, एक जैसलमेरी और एक मेवाड़ी, ठीक है। मेवाड़ी ब्रदर्स नहीं, मेवाड़ी। तो अपने यहाँ 3 आ चुकी है, बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी। तो आपके डायग्राम में जो आपको ये नस्ल दिख रही है, ये डायग्राम में जो नस्ल दिख रही है, इसे देखकर आप पता लगा लो कि ये किस ऊँट की नस्ल है। देखो बढ़िया वाला डायग्राम इसे बना रखे है, चित्रकारी कर रखी है इसके ऊपर, ये काफ़ी साइज में ठीक लग रहा है मुझे ऊँट। आप इसे देखकर अंदाज़ा लगा लो ये कि ऊँट की कौन सी नस्ल है। अगर इस ऊँट का अंदाज़ा आप लोगों ने लगा लिया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने के अंदर। देख लो भाई, देख लिए होंगे ऊँट की कौन सी नस्ल है, ऊँट की कौन सी नस्ल है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको तो समझ आ गया तो अच्छी बात है। अब मैं बता रहा हूँ ये नस्ल कौन सी है। इस नस्ल का नाम क्या है? इस नस्ल का नाम है बीकानेरी ऊँट। कौन सा ऊँट है भैया? बीकानेरी ऊँट। नस्ल का नाम बीकानेरी। क्या नाम है? बीकानेरी। अब पूछे आपसे किसका ओरिजिन पैलेस कहाँ है, तो क्या बताओगे? बीकानेरी ऊँट का ओरिजिन पैलेस क्या बताओगे? वो होता है बीकानेर। कौन सा पैलेस है? बीकानेर है। तो बीकानेरी बीकानेर के ऊँट की नस्ल है, इसकी पहली बात हुई बीकानेर की। दूसरी बात, यह नस्ल सिंधी इंटू ब्लूची, ठीक है, यह नस्ल सिंधी इंटू ब्लूची के संकरण से तैयार की गई है। इसे याद कर लो भैया, संकरण से तैयार की है यह नस्ल सिंधी इंटू ब्लूची के संकरण से तैयार की गई नस्ल है। इसका नाम है बीकानेरी। इसका नाम क्या भैया? बीकानेरी नाम है ये। सिंधी और बलूची ऊँटों के संकरण से तैयार की गई नस्ल है बीकानेरी। दूसरी बात आप देखना,
बीकानेरी, ये जमीन है यहाँ पर भैया, ये जमीन यहाँ पर है, ये जमीन से लेकर देखो ये वाला, जमीन से लेकर ये इसका हम्प देखना भाई, ये जमीन से हम्प देखना भैया, इसका जमीन से हम्प देख लो कितना ऊंचा है, पीछे भी देखो आगे की साइज भी बराबर और पीछे की साइज भी बराबर। तो पहली बात तो इसकी विशेष बात यही होती है, इसके कुबड़ की विशेष बात है, आपको मैंने कुबड़ दिखा दिया है तो इसके कुबड़ की विशेष बात है कि कुबड़ कैसा है, तो वो पढ़ने वाले हैं। तो अगर देखना इसके बारे में, इसके हम्प की ऊंचाई, इसके हम्प की ऊंचाई ये प्रमुख विशेषता, इसके हम्प की ऊंचाई जमीन से, जमीन से 10 से 12 फीट होती है, कितने फीट है 10 से 12 फीट होती है जमीन की ऊंचाई, कुबड़ की ऊंचाई जमीन से 10 से 12 फीट होती है। दूसरी बात, कुबड़ जो कुबड़ होता है ना, जो कुबड़ होता है वो ठीक पीठ के बीच में, देखा था ना अभी, ठीक पीठ के बीच में होता है, इसमें कुबड़ ठीक पीठ के बीच में होता है, जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया था कि ये कुबड़ ठीक देखो एकदम सेंटर के अंदर है, पीछे भी इतनी दूरी है, आगे भी इतनी दूरी है और एकदम सेंटर के अंदर है, वाला सेंटर में है ना, देखना किसका, अब देखना आपको दिख गया ना, देखो ये वाला देखना आप यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक देख लो, ठीक सेंटर में है, वरना आप देखना एक बार, वरना आप देखना इस नस्ल में देखना एक बार, देखो आगे इतना सा है और पीछे देखना भैया इतना, इसके अलावा और देख लो, इसमें देख लो आगे जगह ज़्यादा है पीछे वाली जगह कम है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया है बीकानेरी ताकि आप समझ जाओ। इमेज का मतलब यही है कि आप लोगों को ये देखने मालूम चल जाए कि भाई हाँ ऊँट ऐसा होता है, बाकी ऐसे तो दिखाने का कोई अपना टाइम पास नहीं करना अपने को, बाकी आप इसको देख लो आराम से कितनी दूरी का है, ठीक बीच में ही होता है इसका कुबड़। अब दूसरी बात, गर्दन काफ़ी लंबी है भैया, देखो गर्दन काफ़ी लंबी है, बहुत लंबी गर्दन है, तो ये पढ़े, अब जहाँ गर्दन यहाँ समाप्त होती है, जहाँ एक खोपड़ी देखो भैया, ये खोपड़ियाँ, ये देखो खोपड़ी, जहाँ खोपड़ी स्टार्ट होती है वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा होता है आँखों के ऊपर की ओर, ये आँखें इसकी और ये खोपड़ी, ये खोपड़ी है भैया, देखो ये वाली, ये इसकी खोपड़ी और ये वाला गड्ढा, ये देखो ये वाला गड्ढा आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, मैं वो बढ़िया दिखा दूँ आप लोगों को, आपको दिख रहा होगा ये वाला, इतना ही होगा भाई, ये देखो गड्ढा, ये वाला, ये गड्ढा तो दिख रहा है ना, खोपड़ी जहाँ समाप्त होती है वहाँ देख लो, वहाँ पर एक गड्ढा पाया जाता है जो इस नस्ल की प्रमुख विशेषता है, ठीक है याद रखना, इस नस्ल में खोपड़ी के अंत में, खोपड़ी जहाँ समाप्त होती है, जहाँ समाप्त होती है, जहाँ समाप्त होती है आँखों के ऊपर की ओर, आँखों के ऊपर की ओर एक छोटा गड्ढा होता है, एक छोटा गड्ढा होता है जिसे स्टॉप कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे स्टॉप कहा जाता है। आपसे पूछेंगे कि बीकानेर नेशनल के अंदर खोपड़ी के पास में एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे स्टॉप कहा जाता है, यह इसकी मुख्य विशेषता है, यह इसकी मुख्य विशेषता है, इसे याद करना भाई, यह इसकी मुख्य विशेषता है, जहाँ कुबड़ समाप्त होता है वहाँ पर स्टॉप होता है, जो इसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है। फिर दूसरी बात, यह विश्व की सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है, यह विश्व की सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है, इसे भी याद कर लेना भाई, यह विश्व की सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है, लग रहा है ना, ये नस्ल है जो है वो पूरे संसार की सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है, इसके जैसा ऊँट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, तो ये ऊँटों की सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है, आप देख लो कितनी सुंदर नस्ल है, ये ऊँटों की सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है, तो कौन सी ऊँट भाई, बीकानेरी ऊँट, ये सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है, ये आप देख लिए होंगे,
अब देखना भाई दूसरी बात देखना, आगे के पैर ना ये वाले पैर ये बड़े मजबूत होते हैं भैया, आगे के पैर बड़े मजबूत होते हैं, इनका रंग कभी कभी काला और कभी कभी क्या मिलता है भूरा मिलता है। ये पिछली टांग बड़ी है, देखो आगे की टांगों से पीछे की टांग बड़ी है, देखो आगे वाली यही है पीछे वाली यहाँ तक है, तो पीछे की टांग बड़ी है लेकिन आगे वाली टांगें क्या होती है भैया मजबूत होती है, क्या होती है मजबूत होती है। तो ये लिखते हैं भैया आगे की टांगे मजबूत होती है, क्या होती है मजबूत होती है। अगली बात, इनका रंग काला वह कभी कभी क्या होता है भूरा होता है, विशेषकर तो इनका रंग काला ही होता है लेकिन कभी कभी क्या होता है इनका रंग भूरा भी होता है, किस नस्ल में बीकानेरी नस्ल में। वैसे ऊँटों में है ना ऊँट बड़ा धैर्यवान साहस वाला प्राणी है, धैर्यशील प्राणी है, लेकिन ये ऊँटों में अपने मार्ग को याद करने की भी अद्भुत क्षमता पाई जाती है, एक बार मार्ग दिखा दो लंबे समय के बाद में वो अपना मार्ग अपने आप क्या कर लेते हैं याद करके रखते हैं। तो ये यहाँ तक आपको आ गया होगा। फिर आगे चलें, इस नस्ल की पलकों पर लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं, ये देखना भाई साहब इस नस्ल की पलकों पर लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं, इसलिए इसे जीप राज कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया इसे जीप राज या कुछ लोग जीपड़ा भी बोलते हैं जीपड़ा, तो इसे जीप राज या जीपड़ा भी कहा जाता है, ये भी इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है इसका भैया इसका देखो इसकी पलकों पर ये वाली पलकें जो दिख रही ना यहाँ पर लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं, इसलिए इसे जीपड़ा ऊँट या जीप राज भी कहा जाता है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। फिर देखो इसकी आंखें चमकीली होती है, आंखें क्या होती है भैया आंखें चमकीली होती है, इसकी आंखें चमकीली होती है, इसे जीपराज कहा जाता है, आंखें क्या होती है बड़ी चमकीली होती है। अब यह ऊंट दिव्य प्रयोजनी होता है, क्या होता है दिव्य प्रयोजनी होता है, यह ऊंट दिव्य प्रयोजनी होता है। सबसे खास बात यह है कि यह ऊंट भाई लंबी चौड़ी बड़ी साइज का है ना, इसलिए यह ऊंट कृषि कार्य व अच्छा भार वाहक माना जाता है, ठीक है कृषि कार्यों के लिए वह अच्छा भार वाहक माना जाता है। लंबी साइज का ऊँट है भैया, ऊंचाई भी बहुत है 10 से 12 फीट की ऊंचाई है, रंग काला भूरा है, सिंधी बलूची से बना हुआ ऊँट है, पलकों पर लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं, इसके गर्दन भी बहुत लंबी है, उबड़ भी बीच के अंदर है एकदम सेंटर के अंदर, आगे वाली टांगे मजबूत है, ये बड़े बड़े बाल जीप राज कहा जाता है, ये यहाँ पे स्टॉप ये वाला स्टॉप है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं इस स्टॉप के कारण ये सबसे अलग होती है और ये दुनिया की सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है। ये था आपका बीकानेरी, इनमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम के बाहर नहीं जाएगा, 5-4 क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट है वो आने वाले हैं और बाहर नहीं जाने वाला। तो ये ऊँट आपने देख लिया होगा, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट नस्ल दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देख रहा पता लगाना कि वो ऊँट की कौन सी नस्ल होगी। ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 ये लो भैया ये लो इसे देख लो भाई ये ऊँट की कौन सी नस्ल है, आराम से इसको देख के अंदाजा लगा लो, आपके पास 10 सेकंड है, ये ऊँट की कौन सी नस्ल है, आराम से देख के अंदाजा लगा लो कि ऊँट की कौन सी नस्ल है, फिर पढ़ेंगे इसके बारे में। लो भैया आपका टाइम पूरा हो चुका है 10 सेकंड का, आप ऊँट को देख लिए होंगे और ऊँट की नस्ल का पता लगा लिए होंगे, चलो ऊँट के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है यह नस्ल कौन सी है, तो यह नस्ल है जैसलमेरी, कौन सी नस्ल है जैसलमेरी यह नस्ल है, ओरिजिन प्लेस बोला जाए तो वो है जैसलमेर,
ओरिजिन प्लेस जैसलमेर, जैसलमेरी नस्ल का ओरिजिन प्लेस कौन सा होता है? जैसलमेर होता है। फिर अगली बात अब देखना भैया, इसके विशेषता देख लो। उसका कुबड़ जमीन से 10 से 12 फीट था, उस ऊंट का कुबड़ जमीन से 10 से 12 फीट था। इसका थोड़ा कम है भाई, इसका 2-4 फुट कम है कुबड़, इसकी ये प्रमुख विशेषता है। इसका 2-4 फुट कम है, इसकी ये विशेषता है। तो सबसे पहले इसके कुबड़ की ऊंचाई, इसके कुबड़ की ऊंचाई 9 से 10 फीट होती है। कितने फीट है? 9 से 10 फीट होती है। इनका रंग भूरा या गहरा भूरा होता है, ठीक है, जिसमें मेरे का रंग भूरा या गहरा भूरा होता है। अब विशेष बात क्या है भाई, विशेष बात क्या, इसके पंजों की विशेष बात भाई। ये पंजे है ना, पंजे, पंजों के तलवे है ना, नीचे वाले तलवे आप जानते होंगे, पंजों के तलवे जो आपने देखे होंगे, ठीक है। पंजों के तलवे की बात करें तो नीचे के तलवे की बात करने वाले हैं। आप तो जानते हो कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चलता है, क्योंकि उसके पाँव क्या होते हैं, बड़े गदेदार होते हैं। आपने देखा होगा कि ऊँटों में देखा होगा आप लोगों ने, ये ऊँट के जो पैर के होते हैं ना खुर वगैरह, वो एक ऐसे देखा होगा आगे की ओर, ये ऊँट एक स्पंजी में दबे हुए रहते हैं अंदर की ओर, इस स्पंज में दबे हुए रहते हैं, ये गद्दीदार होता है। यहाँ से जैसे ही ऊँट इसे ज़मीन पर रखता है ना, तो वहाँ की मिट्टी धस जाती है। इनकी बात करें तो इसके नीचे के तलवे हैं ना, तलवे वे होते हैं चौड़े, क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, और साथ में कैसे होंगे, बेहद ही गद्दीदार होते हैं। दूसरी बात, टांगे हल्की होती है भाई, टांगे कैसे होती है, हल्की होती है, इसलिए रेगिस्तान में चलने के लिए सबसे अनुकूल नस्ल है, इसलिए ये रेगिस्तान में चलने के लिए सबसे अनुकूल नस्ल मानी जाती है भाई। इसके तलवे छोटे चौड़े हैं, बढ़िया है ना, और स्पंजदार है, गद्दीदार है, और टांगे हल्की होती है, इसलिए आसानी से रेगिस्तान में चलने के लायक होता है। यहाँ तक तो कोई आपकी दिक्कत नहीं आने वाली। अब दूसरी बात, बाल, त्वचा पर बाल कम होते हैं, बाल कम पाए जाते हैं, बाल कम पाए जाते हैं। त्वचा पर बाल क्या होते हैं भैया, त्वचा पर बाल कम ही होते हैं, ऊपर ऊपर यहाँ बाल बहुत कम है, यहाँ बाल नहीं है। दूसरी बात, ये जो इसकी आंखें दिख रही ना, आंखें ये आंखें दिख रही ना, ये खोपड़ी के अनुपात में आंखें क्या होती है भैया, बड़ी होती है, आंखें खोपड़ी के अनुपात में, मतलब इसके सिर के अनुपात में आंखें बड़ी होती है, खोपड़ी के अनुपात में बड़ी आंखें बड़ी होती है। ये भी अच्छी विशेषता है कि खोपड़ी के अनुपात में इसकी आंखें क्या होती है, बड़ी होती है। फिर अगली बात, यह ऊंट लड़ाई के लिए सर्कस के लिए व सेना के लिए, सेना व पुलिस के जवानों द्वारा काम में लिया जाता है। इसे याद करना भाई, इसे याद कर लेना। यह है ऊंट लड़ाई के लिए सर्कस के अंदर, और सेना व पुलिस के जवानों द्वारा काम में लिया जाता है। आपसे बोल देंगे कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्स है ना, बीएसएफ या सीआईएसएफ जो भी है, या अपने जो अभी पुलिस के जवान है, ये वाले कौन से ऊँट की नस्ल को काम में लेते हैं? तो आप क्या बताओगे, ये सारे के सारे जैसलमेरी ऊँट की नस्ल को काम में लेते हैं। किसको लेते हैं? जैसलमेरी ऊँट की नस्ल को काम में लेते हैं, क्योंकि यह तेज भागने में भी क्या होती है, सहायक होती है। मैं आपको बता दूँ, बड़ा सरप्राइज होगा आप लोगों को, ये बात सुनकर बड़ा ही सरप्राइज होगा आप लोगों को, कि ये जो नस्ल आपको दिख रही ना, जैसलमेरी ये नस्ल आपको जो दिख रही है, ये नस्ल है, इसे वो लोग काम में क्यों लेते हैं, कि ये नस्ल है ना, एक ठंडी रात में 90 से 120 किलोमीटर या 130 के लगभग भी है भाई, 90 से 120 से 130 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। मैंने पूरी एक ठंडी रात का बताया भैया,
आप तो कुल मिला के 100 किलोमीटर मान लो भाई, राउंड फिगर में 120 130 के लगभग राउंड में 100 मानो, ये एक ठंडी रात के अंदर भैया इतना किलोमीटर दूर तय करता है ना, 90 से 120 किलोमीटर की दूरी आराम से क्या करता है ये तय कर लेता है, इसलिए सेना के जवान इस ऊँट को ही पालते हैं। अब पढ़ने वाले हैं अगली नस्ल, जिसका मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, आप उसे देखकर उसका अंदाजा लगा लेना। देखिए भाई अगली नस्ल, लो लो भैया इससे देख के अंदाजा लगाओ, मालूम चल जाएगा, आपके पास में 10 सेकंड है, ये कौन सी नस्ल है, ये कौन सी नस्ल है, आपको अंदाजा लगेगा इसके होठों से, इसके होठों से अंदाजा लगेगा, इसके होठ देख के आप अंदाजा लगा लो भाई, होठ देख के अंदाजा लगा लो कौन सी नस्ल है। ठीक है, समझ गए होंगे, चलते हैं इस ऊँट के ऊपर। तो ये नस्ल का नाम है मेवाड़ी, क्या नाम है, मेवाड़ी नस्ल, जो है मेवाड़ उदयपुर की, कहाँ की है, मेवाड़ उदयपुर की नस्ल है मेवाड़ी। देखना इसके बारे में, यह नस्ल सर्वप्रथम, यह नस्ल सर्वप्रथम पंजाब में पाई जाती थी, कहाँ पर, पंजाब में। अगर आपसे कोई बोल दे कि मेवाड़ी का मूलतः प्रदेश कौन सा है या मेवाड़ी नस्ल मूलतः कहाँ की है, तो मूलतः यह पंजाब की है, फिर बाद में कालांतर में क्या हुआ, ये नस्ल अरावली के सहारे सहारे, वहाँ के लोग है ना अरावली के सहारे सहारे, अरावली के सहारे सहारे मेवाड़ क्षेत्र तक, मेवाड़ क्षेत्र तक, मेवाड़ क्षेत्र तक सामान को लाने और ले जाने के लिए, सामान को लाना और ले जाना इसी नस्ल से करते थे। और बाद में क्या हुआ, ये नस्ल धीरे धीरे है ना मेवाड़ के आसपास, उदयपुर के आसपास में रहने लग गई और नाम क्या पटक दिया इसका, मेवाड़ी नाम पटक दिया, क्या नाम पटक दिया, मेवाड़ी। तो मूलतः है पंजाब की है, लेकिन ये अरावली के आसपास में सामान लाने और ले जाने के कारण यहाँ रहने लग गई और नाम पड़ गया इसका मेवाड़ी। अगली बात, इनका रंग भूरा होता है, इनका रंग क्या होता है, भूरा या हल्का भूरा, ठीक है, हल्का भूरा होता है, इनका रंग मेवाड़ी नस्ल का रंग भूरा या हल्का भूरा होता है। आंखें जो देख रहे हो ना, आंखें, आंखें बड़ी होती है लेकिन सुस्त होती है, आंखें बड़ी पर क्या होती है, सुस्त होती है, नींद, जैसे इसको नींद आने वाली ना, ऐसे आंखें पूरी इसकी खुलती नहीं है भाई मेवाड़ी की, आंखें बड़ी बड़ी और सुस्त होती है, शरीर पर लंबे बाल पाए जाते हैं, शरीर पर लंबे बाल पाए जाते हैं, इस नस्ल की मुख्य विशेषता, ये तो आप जानते होंगे, इस नस्ल की मुख्य विशेषता जो मैंने अभी आपको बताई थी, जिससे आप पता लगाए थे मुख्य विशेषता, अरे नस्ल की मुख्य विशेषता देखना, मैंने अभी तो बताया था क्या चीज़ है मुख्य विशेषताओं के अंदर, दिख रहा है मैंने क्या कहा था, देख के पता लगा लो, इसके होठों को देख के पता लगा लो, इसके होठों को देख के पता लगा लो, लगा लिए होंगे, मुख्य विशेषता कि इसके नीचे का होठ, इसके नीचे का होठ लटका हुआ रहता है, ठीक है, के नीचे का होठ क्या होता है, लटका हुआ रहता है, जो इसकी मुख्य पहचान मानी जाती है। बोझा ढोने, बोझा ढोने वह सवारी के काम में लेते हैं, सवारी के काम में लेते हैं, बोझा ढोने वह सवारी के काम में लेते हैं। अब एक बात क्या, यह नस्ल सर्वाधिक दूध देती है, ठीक है, यह नस्ल सर्वाधिक दूध देती है, मतलब दूध देने वाली नस्ल यही है। आपको बता दें इनमें, इनके अयन में है ना दुग्ध सिराए आसानी से दिखाई देती है, किनके, मेवाड़ी के आयन में दुग्ध सिराए आसानी से दिखाई देती है। फिर अगली बात, 4 से 6 लीटर दूध प्रतिदिन,
चार से छः लीटर दूध प्रतिदिन का देती है और सात के अंदर चार से छः लीटर तो क्या देती है ये दूध देती है और तीन से लेकर पाँच मील पर हावर की रफ्तार है इनकी, ठीक है। तीन से पाँच मील पर हावर की रफ्तार है, चार से छः लीटर दूध देती है, सर्वाधिक दूध देती है कौन सी नस्ल, ये आपकी मेवाड़ी नस्ल। तो आपके तीन ही थी, बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी। अब पढ़ने वाले हैं इनके रोगों के बारे में, तब तक आप लोगों को आगे लेके चलते हैं। तो ये यहाँ तक आपको मैंने तीन बता दिए, ये मेवाड़ी, ये आपकी जैसलमेरी और ये आपकी बीकानेरी। आप पढ़ेंगे इनके रोगों के बारे में क्योंकि टाइम बहुत कम है अपने पास में, तो आप पढ़ेंगे इनके रोगों के बारे में, इनके रोग पढ़ेंगे भाई। तो देखो पशुओं में, ऊँटों में होने वाले रोग, ऊँटों में होने वाले रोग, तो पहले रोग का नाम है सर्रा। क्या नाम है? सर्रा रोग, ऊँटों की प्रमुख बीमारी सर्रा, जिसे सड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सड़ा, जिसे गलत्या कहा जाता है। क्या बोलते हैं? गलत्या, गलत्या, सर्रा, सड़ा, गलत्या, जिसे तीबर्ष्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीबर्ष्या। तीन नाम बता दिया हूँ, सर्रा बोलते हैं, सड़ा बोलते हैं, गलत्या बोलते हैं और तीबर्ष्या बोलते हैं। किसको? ऊँटों में होने वाले रोगों को, सर्रा, सड़ा, गलत्या, तीबर्ष्या। अब भैया इसमें क्या होता है? यह ऊँटों की प्रमुख बीमारी है, यह ऊँटों की प्रमुख बीमारी है, यह ऊँटों की प्रमुख बीमारी है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले, सबसे पहले ईरान के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक? ईरान के वैज्ञानिक, जिनका नाम था डॉक्टर ग्रिफिथ इवान। क्या नाम था? डॉक्टर ग्रिफिथ इवान। ईरान का वैज्ञानिक था, अंग्रेजी वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर ग्रिफिथ इवान। इसने सबसे पहले इस रोग के कीटाणु का पता लगाया, इस रोग के कीटाणु का क्या लगाया? पता लगाया। इस रोग के कीटाणु का पता लगाया, सर्रा रोग के कीटाणु का पता लगाया और इसका नाम दे दिया ट्रिपेनोसियस। क्या नाम पटक दिया? ट्रिपेनोसियस। डॉक्टर ग्रिफिथ इवान ने सबसे पहले सर्रा रोग के कीटाणु का पता लगाया और नाम दे दिया ट्रिपेनोसियस। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट मारो फिर आगे चले, जल्दी करो भाई, स्क्रीनशॉट मार लो, जल्दी करो फिर आगे चले। हाँ भैया, तो देखो किससे होता है? ये एक विशेष प्रकार का आंतरिक प्रोटोजोआ परजीवी, विशेष प्रकार का आंतरिक प्रोटोजोआ परजीवी, परजीवी जिसका नाम है ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई। ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई है भाई, ये है वो ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई। ये इसका रोग कारक होता है, जिसे सर्रा रोग होता है, जिसमें सर्रा रोग होता है। और काल गोमक्सी पक्षी मक्खी, काल गोमक्सी मक्खी होती ना, वो इसके रोग का संचरण का कार्य करती है। इस रोग के अंदर पशु की त्वचा सड़ने लग जाती है, सूखने लग जाती है, सड़ने लग जाती है और सूखने लग जाती है, त्वचा सूख जाएगी। ऊँट के अंदर बदबू आने लग जाती है, ऊँट पूरा सूख जाता है, थकान महसूस होती है, वजन को नहीं उठा सकता, चल नहीं सकता, ये सारे लक्षण इसमें देखने को मिल जाएंगे। एक जगह पड़ा रहेगा, सारी धारियां लग जाएगी, पूरी त्वचा सूख कर खराब हो जाएगी और तीन साल होते होते ऊँट पूरा सूख कर क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसलिए से क्या बोलते हैं? तीबर्ष्या रोग कहा जाता है। इसके लिए महुआ की फूली हुई दारू को पिलाई जाती है, महुआ की फूली हुई दारू, इससे इलाज हो सकता है। बाकी ये ऊँट मरते ही है भाई,
या इसके अलावा डॉक्टर के परामर्श से कुछ टीके हैं वो लगाकर इनका इलाज किया जा सकता है। अब ऊंट का एक रोग बच गया खाद और खुजली वाला, लेकिन वो पशुओं में भी होता है, इसलिए अपन लोग उस रोग को उनके अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक आप याद करना, आगे के वीडियो में चलेंगे पशु के रोगों पर, जहाँ पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद।